अस्सलाम वालेकुम। मकदवा खाना ऑफिशियल हकीम मोहम्मद साकिब इकबाल तुहाडी खिदमत हाजिर आ। मैं उम्मीद करदा अल्लाह पाक दी मेहरबानी नाल मेरे सारे व्यूअर ठीक होणगे। अज दा साडा मौजू हैगा मेदे दा गैस, तेजाबीयत और मेदे दा भारीपन। ये क्यों हुंदा, इहदी रीजनस की हुंदी, इहदी वजह की हुंदी है, और बहुत सारिया खुराकां कीड़ियां है जिहदी वजह तों ये पैदा हुंदा। अज इस वीडियो दे विच सारिया चीज़ां दा बगौर जिहड़ा हैगा उहनूं डिस्कस किया जाएगा। अजकल दे साडे माशरे दे बहुत सारी गलतियां है जिहड़ियां कि असीं खाने पीने दे विच कर लैंदे हां। जिस तरह कि खाना तो फौरन बाद ठंडा पानी का इस्तेमाल, खाने तो फौरन बाद जिहड़ा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, या खाना खाने तो फौरन बाद असीं लोग चाय पी लैंदे, जिहदा करके साडे मेदे दे विच तेजाबीयत का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने का अंदेशा हो जाता, और जिहदा करके मुख्तलिफ तरह दी जिहड़ियां बीमारियां बनदियां। और अज मेदे से पैदा होने वाली गैस तो वजह तो पैदा होने वाले नुकसान और वजह तो पैदा होने वाली बीमारियां इस वीडियो में वन बाय वन करके सारिया इंशाल्लाह ताला डिस्कस करांगे। अजकल जिन लोगों नू खाना खान तो फौरन बाद जिहड़ा हैगा पेट च गैस हो जाती, उसकी वजह यह आ या तो खाना खान तो फौरन बाद चाय का इस्तेमाल करते, या खाना खान तो फौरन बाद ठंडा पानी का इस्तेमाल करते, या खाना खान तो फौरन बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते, उदा करके पेट के गैस पैदा हो जाती, या पेट के इर्द गिर्द साइडा जड़िया है हवा ना भर जाती हैं, या बस गत यह महसूस होंगे कि उन्होंने गुर्दिया पेन होंगी, या बस गत हों सारी कंडीशन जी हैगी सारी गैस जी मिल के साढ़े सीने जमा हो जाती, सीने में दर्द का शिकार, भारीपन का शिकार, और बस गत हों कई लोगों का, कई मरीजों का ब्लड प्रैशर हाई हो जाता, या बस गत कई लोगों को खाना खाने तो बाद गैस पैदा होने की वजह तो मेदे में गैस पैदा होने की वजह तो जिहड़ा धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता कि कड़ी भी चीज़ देखे उन्होंने धुंधली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और बस गत कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने खाना खाने तो बाद उन्होंने सिर दर्द स्टार्ट हो जाता, या कि कुछ लोग ऐसे है कि जिन्होंने खाना खाने तो बाद सिर दे भारीपन, या पठिया का भारीपन, या बस गत जिहड़े सिर दर्द गिरद वाली साइडों का भारीपन शुरू हो जाएगा। यह सारिया चीज़ा जी है मेदे की तेजाबीयत और तबखीरे मेदा शो कर दियाँ है। मैं अपने व्यूअर ने दसदा चला कि खाना खाने तो फौरन बाद कभी भी चाय का इस्तेमाल ना करो, ये ना कि साढ़े मेदे में जाके तेजाबीयत का बायस बनती, बल्कि कोलेस्ट्रोल लैवल भी ज़्यादा कर दे, जिदा कि ट्राईग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं। उस तो बाद अज ये जोड़े है ये बारे में ये नुस्खे के बारे में असं आने हैं, जिदा जिन्हों इस्तेमाल करके अल्लाह पाक की मेहरबानी के नाल असं इस जोड़े है मरज तो जोड़ा है निजात हासिल कर सकते हैं। सब नो पहले सिंपल बहुत सादा और अच्छा नुस्खा जोड़ा है मैं तुम्हें दे रहा कि जिन्हों तुम इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक शिफा देगा। सब नो पहले तुम सब्ज़ पुदीना लेना 50 ग्राम, सब्ज़ पुदीना 50 ग्राम, सब्ज़ धनिया 25 ग्राम, ताज़े अनार के दाने चाहे वह सुरख हो चाहे वह सफेद हो, ये लैने असी 50 ग्राम, अदरक लैना असी 25 ग्राम, और सब्ज़ मिर्च लैनी असी हसबे जरूरत, और इन तमाम चीज़ों जोड़ा है एक जगह पर ग्राइंड करके तो यदा एक मजमूमा बना लो, इकट्ठा कर लो, मिक्सचर बना लो, और सुबह दोपहर और शाम खाना खाने के दौरान रोटी न लगा के इनू खा लिया जाए। इंशाल्लाह ताला जेडे लोग ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला मेदे की तेजाबीयत, गैस, घुटन, और जेडे लोग घुटन का शिकार होंगे खाना खाने तो फौरन बाद अक्सर जोड़ा है शिकायत करते पेशेंट आके कि गले में कोई चीज़ अटक जाती है, या सानू घुटके घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है, या घबराहट होनी शुरू हो जाती है, ये नुस्खा उन लोगों वास्ते बहुत ज़्यादा जोड़ा है मुफीद है। इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे की मदद नाल इन्हें सारिया बीमारियों तो निजात हासिल कर सकते हैं। एक दिन के 3 चम्मच जी मकदार बनती है वह 25 ग्राम की होंगी, कि एक दिन के जोड़ा है मजमूमा हैगा ये जो मिक्सचर हैगा ये 25 ग्राम तक खाना लाजमी है। तो कुछ लोग जोड़े है ये लसन का इजाफी जोड़ा हैगा इजाफा कर लेंगे, मैं उन्होंने लोगों तो एक चीज़ शेयर करता चला कि अगर जोड़े लोग कच्चा लसन खाते हैं ये ना तो जोड़ा है सिर्फ जोड़ा है मेदे तेजाबीयत ज़्यादा हो जाती, बल्कि उन्होंने एच कलोरी जिन्होंने मेदे का अलसर किया जाता वह हो जाता। तो मेहरबानी फरमा के जोड़े भी लोग मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर इस नुस्खे को बदलन ना, इंशाल्लाह ताला इस जी मैं चीज़ा दसियाँ वो प्रॉपर जी है मकदार जी इस्तेमाल की जाए, जिस तरीके मैं जोड़ा है दसदा पाया उस नाल इस्तेमाल किया जाए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की मेहरबानी मेदे की तेजाबीयत, मेदे की गैस, उस तो बाद सीने की खुराक वाली नाली में होने वाली जी तेजाबीयत या जलन हैगी तो इंशाल्लाह ताला पक्का यदा मुश्किल हल मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता कि तुम इस मेरे चैनल में मक्का दवाखाना ऑफिशियल सबसक्राइब करोगे
और डिस्क्रिप्शन में यदा लिंक दिता गया उन्होंने लोगों ना शेयर करोगे खुद भी फायदा चुकोगे और दूसरों तक भी जड़ा है शेयर करके लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा तो मुस्तफीद कराओगे। इंशाल्लाह ताला मैं हूँ इजाजत दियो, इंशाल्लाह ताला अगली नैक्सट वीडियो मिलेंगे एक अच्छी इनफॉर्मेटिव ते और एक अच्छे और आसान नुस्खे के नाल। तब तक के लिए वास्ते अल्लाह हाफिज़।